एक किसान वो भी मधुमक्खी पालन करके करोड़ों कमा रहा है। कैसे भाई, वीडियो का टाइटल देखकर आप भी चौंक तो नहीं गए? हम तो यही सुनते आए थे, किसान भाई कड़ी मेहनत करके सिर्फ घर चलाने योग्य कमा पाते हैं। ये किसान भाई कौन है जो बिना किसी हाई फाई डिग्री के आत्मनिर्भरता की अनूठी कहानी लिख रहा है? तो चलिए बात को ज्यादा न घुमाते हुए कहानी के मुख्य नायक की तरफ बढ़ते हैं। हम किसी विदेशी किसान की नहीं बल्कि हरियाणा के यमुनानगर जिले के किसान सुभाष कंबोज की बात कर रहे हैं, जिनकी सफलता आज देश भर के किसान भाइयों के लिए एक मिसाल बन गई है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनका वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन करना खूब पसंद आया, जिसके चलते उन्होंने मन की बात में 18 महीनों के भीतर ही दो बार इनके काम की सराहना की। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पस से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। सुभाष की सफलता की कहानी 1996 से शुरू होती है, जब उन्होंने अपने खाने मात्र के लिए सिर्फ 6 मधुमक्खी बॉक्स अपने खेतों में रखे थे। इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने महसूस किया कि धीरे धीरे उनके बॉक्स में मधुमक्खियां बढ़ रही हैं। उन्होंने इसके साथ साथ मधुमक्खी बॉक्स की संख्या भी बढ़ाना शुरू कर दिया। वह साल दर साल 80 से 100 मधुमक्खी बॉक्स की संख्या बढ़ाते गए। मात्र 5 साल बाद ही उनके पास 500 से ज्यादा मधुमक्खी बॉक्स हो चुके थे। तब तक वह मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक ट्रेनिंग भी ले चुके थे। इसके बावजूद भी उन्हें कई प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सुभाष को फूलों के सीजन से जुड़ी परेशानी को लगातार फेस करना पड़ रहा था। उन्हें समझ में आ गया कि एक स्थान पर रहकर प्रोफेशनल तरीके से मधुमक्खी पालन नहीं किया जा सकता और ना ही ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने मधुमक्खियों के बॉक्स को फूलों के सीजन वाले दूसरे स्थानों पर माइग्रेट करना शुरू कर दिया। वह अपने और अन्य किसान भाइयों के मधुमक्खी बॉक्स को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कश्मीर तक ले जा चुके हैं। इस प्रक्रिया से उन्हें अलग अलग फूलों से शहद मिलना शुरू हुआ। आज उनके पास 22 से ज्यादा वैरायटी का शहद उपलब्ध है, जो अलग अलग फूलों से प्राप्त हुआ है। आज उनके पास 2000 से ज्यादा मधुमक्खी बॉक्स है, जिससे उन्हें 40 से 45 टन के आसपास शहद प्राप्त होता है। वह शहद की प्रोसेसिंग करने के साथ साथ शहद से जुड़े कई अन्य उत्पाद जैसे विनेगर, मुरब्बा और गुलकंद भी बना रहे हैं। वह इन्हें सोशल मीडिया और ई कॉमर्स वेबसाइट की मदद से देश भर में बेच रहे हैं। शहद और उससे जुड़े उत्पादों को बेचकर उनका सालाना टर्नओवर 3 से 4 करोड़ के करीब है। उम्मीद है सुभाष की सफलता की कहानी आपको भी प्रेरित करेगी और आप भी अपने प्रयासों से सफलता की नई कहानी लिखेंगे। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए DD News के मंडे मोटिवेशन सीरीज को देखते रहें।